असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज भी हम ब्लॉग्स के बारे में ही बात करेंगे ब्लॉग्स का पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट वन के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पार्ट वन में क्या क्या बात की थी और किसके बारे में बात की थी सो हमने ब्लॉग्स के बारे में बात की थी कि so, ब्लॉग्स क्या होते हैं ब्लॉग्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट होती है जहाँ इंडिविजुअल्स बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखा हुआ कंटेंट यानी ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं ब्लॉग्स का स्टाइल जो है हमने बात की थी इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल होता है और हम अपने रीडर्स के साथ जो है वो इजीली एंगेज कर सकते हैं ब्लॉग्स के स्ट्रक्चर की बात की थी कि इसमें टाइटल इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कमेंट सेक्शन और कैटेगरीज और टैग्स होती हैं ब्लॉग्स का पर्पस हम ब्लॉग्स लिखते क्यों हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए बिजनेस मार्केटिंग के लिए एजुकेशन और न्यूज़ और कमेंट्री के ऊपर जो है वो आ, के लिए जो है वो ब्लॉग्स लिखते हैं ब्लॉग्स की टाइप्स के बारे में बात की थी हमने कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं दैट इज पर्सनल ब्लॉग्स बिजनेस ब्लॉग्स नीच ब्लॉग्स, न्यूज ब्लॉग्स एफिलिएट ब्लॉग्स अब ब्लॉग्स जो हैं वो डिजिटल इरा में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशनल और नॉलेज शेयरिंग करने के लिए इम्पॉटेंट है कम्युनिटी बिल्डिंग और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हमें प्रोवाइड करती है फर्दर हम इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि ब्लॉग्स जो है वो कब अब जो है वो आए थे कब जो है वो लिखना स्टार्ट हुए थे लोग और कब जो है वो इसके बारे में जो है वो डिस्कशन हुई थी तो ब्लॉग्स जो हैं वो नाइनटीन नाइन्टीज में पर्सनल ऑनलाइन डायरीज या जर्नल के तौर पर शुरू हुआ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो थॉट्स थे वो ऑनलाइन ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर करते थे इससे क्या हुआ कि ब्लॉग्स की आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो ग्रोथ होने लग गए अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोफेशनलिज्म uh, में जो है वो ब्लॉग्स कैसे आए सो so वक्त के साथ साथ जब ब्लॉग जो है प्रोफेशन बन गया जहाँ बिजनेस और एक्सपर्ट्स ने इन्हें अपने ब्रांड्स बिल्डिंग करने के लिए और बड़ी ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए यूज़ किया तो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वर्ड और ब्लॉगर्स ने सबके लिए ब्लॉग्स बनाना आसान कर दिया अब इससे क्या होता है कि इसके बाद जो है हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं सो इसकी मोनेटाइजेशन भी प्रॉपर होती है अब बहुत से ब्लॉगर्स जो है अपने ब्लॉग से पैसा कमा रहे हैं एड्स स्पॉन्सरशिप एफिलियट मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट सर्विसेज बेचकर लेकिन जो सक्सेसफुल ब्लॉगर्स होते हैं ब्लॉगर्स होते हैं अपने प्लेटफॉर्म से सिग्निफिकेंट uh, इनकम जो है वो इजीली जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन मॉडर्न ब्लॉग्स अक्सर इमेजेस वीडियोस पॉडकास्ट और इंटरेक्टिव कंटेंट को शामिल करते हैं ताकि रीडर्स जो है वो रीडर्स का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सके फर्दर हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो है वो यूज़ होते हैं सो so, बहुत से प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगिंग को सबके लिए एसेसिबल बनाते हैं सबसे पहला और जो बहुत इम्पोर्टेंट या फिर बहुत सक्सेसफुल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज वर्ल्ड प्रेस ये एक ऐसा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो फ्री और पेड दोनों ऑप्शन ऑफर करता है जिसमें कस्टमाइजेशन थीम और प्लजें भी होती है इसको आप इसकी आप मोनेटाइजेशन भी ऑन करवा सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है वो पेड होना बहुत जरूरी है देन जो सेकंड प्लेटफॉर्म आता है दैट इज ब्लॉग गूगल का यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जो बिगनर्स ब्लॉगर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है थर्ड आता है मीडियम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लिखने के कॉन्टेंट पे फोकस करता है जहां यूजर्स आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और रीडर्स की कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग ब्लॉगिंग के आखिर क्या क्या बेनिफिट्स है हमारी इससे सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ राइटिंग स्किल जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है रेगुलर बेसिस पे ब्लॉगिंग जो से जो राइटर अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करता है अपने थाट्स को क्लियर और इंगेजिंग तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करता है सेकेंड पॉइंट आ जाता है विजिबिलिटी बेहतर होती है बिजनेस के लिए ब्लॉग्स उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं और रिसर्च इंजन जो सर्च इंजन रैंकिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है वो लाते हैं जैसे कि जैसे उन्हें ज़्यादा पोटेंशियल जिससे क्या होता है उनको ज्यादा पोटेंशियल ऑडियंस मिलती है और क्या होता है ये कैसे होता है ये एस से एस uh, को इम्प्रूव करने की वजह से होता है देन आता है हमारे पास मोनिटाइजेशन एक सक्सेसफुल ब्लॉग्स एड्स स्पॉन्सर्ड कंटेंट एफिलिएट लिंक्स और प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करके इनकम जनरेट करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉग से ब्लॉगर्स को तो दूसरे ब्लॉगर्स कंपनीज़ या इन्फ्लुएंसर्स के साथ याबोरेशन का मौका भी मिलता है जिससे क्या होता है उनकी रीच जो है वो बढ़ती है नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट एक्सपर्टीज इस्टेबलिश करना अगर किसी टॉपिक पर कॉन्सिस्टेंटली ब्लॉग्स लिखे जाए तो ये क्या करेगा ये राइटर को उस फील्ड में एक अथॉरिटी जो है वो बनाने में हेल्प करता है फिर वो जो राइटर है वो उस ब्लॉग्स का उस फील्ड का जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है अब ब्लॉगिंग लिखने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं जो चैलेंज हर फील्ड में आता है चाहे आप ब्लॉग करें व्लॉग करें या फिर कोई भी ऐसा जो है वो काम करें तो उसके अंदर जो मेन चैलेंज uh, आता है दैट इज़ कंसिस्टेंसी एक ब्लॉग्स को मेंटेन रखना मुश्किल होता है क्योंकि रीडर्स को एंगेज रखने के लिए रेगुलर अपडेट्स करनी पड़ती हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है अगर हम एक दिन दो दिन तीन दिन अपलोड करें आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं तो आप जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो ये बहुत मुश्किल जो काम है दैट इज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना देन आता है मोनेटाइजेशन बहुत से लोग ब्लॉगिंग इसी उम्मीद से शुरू करते हैं कि भाई पैसा आएगा पैसा कमाएंगे इतने फॉलोअर्स बनाएंगे इनकम जनरेट हो सकेगी तो उसमें जो है ये सब काम होते हैं लेकिन उसमें जो है वो वक्त लगता है और वक्त तो जो है वो उसका इंतजार कोई भी नहीं करता है देन थर्ड पॉइंट आ जाता है इज कॉम्पिटिशन ऑनलाइन बहुत से लोग हैं जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ब्लॉग्स लिखे होते हैं इसीलिए इतनी बड़ी मार्केटिंग में स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है सक्सेस अक्सर नीच टारगेटिंग क्वालिटी कंटेंट और इफेक्टिव प्रमोशंस पर ही डिपेंड करती है मेरा मानना है कि आज के टाइम पे अगर आप मार्केटिंग नहीं करते तो आप अपनी जो मार्केट है उसको मार्केट में कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आज के टाइम पे हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है आपके पास अगर आप कहें कि हम कोई न्यू आइडिया या न्यू इनोवेशन लेके आए तो ये बहुत मुश्किल है कि आप ये देखें कि मेरा आइडिया जो है वो पहले से मार्केट में मौजूद है या नहीं है वो डेफिनेटली जो है वो होता है तो ये इस तरह जो है वो बहुत मुश्किल होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है जैसे जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रही है वैसे वैसे ब्लॉग्स भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं रिवॉल्व होते जा रहे हैं इसके अंदर भी एवोल्यूशनस आती जा रही है मल्टी मीडिया कॉन्टेंट्स और नए टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई के, के जरिए ब्लॉग्स और एडवांस्ड होते जा रहे हैं लेकिन ब्लॉग्स के जो बुनियादी मकसद है था, जो उसका बेसिक जो मोटिव है दैट इज़ इंफॉर्मेशन शेयर करना कहानियां सुनाना और रीडर्स को इंगेज करना अनचेंज रहेंगे यानी ब्लॉग्स अगले को यानी ब्लॉग्स अगले कई सालों तक ऑनलाइन ब्रांडिंग कंटेंट मार्केटिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा एक अहम हिस्सा बना रहेगा और इसमें जो है वो बहुत ज्यादा स्कोप है और ब्लॉग्स जो है वो डिजिटल दौर में डिजिटल इरा में एक वर्सेटाइल और पावरफुल टूल है जो इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों के लिए वैल्यूएबल है चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए हो या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ब्लॉगिंग आज भी एक पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल फॉर्म है ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लॉग्स जिसको अभी भी ब्लॉग्स की समझ ना आए वो मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकता है मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अल्लाह हाफिज